Hello everyone, welcome to my channel Codercommune. My name is Anil. I'm going to teach you Java. In the previous lecture we were talking about the features of the Java. So humne do features cover kar liye the, simple and robust. Now we are going to cover third one, secure. So let's directly move to the secure feature. So why Java is secured? First thing about is absence of pointers. पहले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि पॉइंटर सिक्योरिटी कैसे इंक्रीज करते हैं, तो अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन जानी है तो आप पहला लेक्चर एक बार देख लीजिए. बट रिवीजन के लिए यहाँ पे इतना है कि पॉइंटर्स जो होते हैं वो हमारा एड्रेस स्टोर करते हैं किसी भी डेटा वैल्यू का. अगर हमें किसी भी डेटा वैल्यू का एड्रेस नहीं पता तो हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट अगर पता है तो हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं. तो पॉइंटर जब हमें एड्रेस नहीं पता होगा तो हम डेटा मॉडिफाई नहीं कर सकते. इस तरीके से एक प्रोग्राम की सिक्योरिटी बढ़ जाती है. कोई भी रैंडम कोई भी पर्सन आके या कोई भी प्रोग्रामर आके उसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि जो भी वेरिएबल वैल्यू स्टोर कर रहा है उसका एक्चुअल एड्रेस क्या, वो मेमोरी में किस जगह पर पड़ा हुआ है. तो ये सिक्योरिटी बढ़ाता है. नेक्स्ट थिंग इज ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ जावा रन इनसाइड वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्स. ये होता क्या है, जावा में तीन फीचर्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोग्राम को रन कराने में. एक होता है जेवीएम, एक होता है जेआरई और एक होता है जेडीके. होता क्या है कि जेवीएम जो है जावा वर्चुअल मशीन, वहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन करता है, और जो जेआरई होता है वो हमारा फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है जिस कंडीशंस में हमारा प्रोग्राम रन कर सके. तो जब वर्चुअल मशीन में रन करता है तो जावा को मतलब कि जो भी प्रोग्राम लिखा है वो फिजिकल इन्वायरमेंट से हमारे इंटरेक्ट नहीं करेगा या अदर सिस्टम से, तो वो वर्चुअल मशीन में ही रन करेगा तो प्रोग्राम को कोई इफेक्ट नहीं होगा. अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, वायरस है, तो आपके प्रोग्राम में नहीं आएगा वो. नेक्स्ट थिंग इज क्लास लोडर. क्लास लोडर होता क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ जेआरई एंड इज यूज्ड टू लोड जावा क्लासेस इनटू जेवीएम. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जितने भी जावा के प्रोग्राम्स होते हैं वो जेवीएम में रन होते हैं. होता क्या है कि क्लास लोडर इज अ पार्ट ऑफ जेआरई. ये जावा जो मतलब कि जेवीएम और जेआरई और जेडीके कंबाइंड मिलकर काम करते हैं, तो जेआरई में एक क्लास लोडर नाम का एक पैकेज पड़ा होता है. वो करता क्या है कि जब आप कोई पैकेज इंपोर्ट करते हो, जैसे आपने अपना पैकेज क्रिएट किया और उसे आपको इंपोर्ट करना है, एक पैकेज है जो बाई डिफॉल्ट ऑलरेडी से इनबिल्ट पड़ा हुआ है और आपने उसे इंपोर्ट किया है, तो होता क्या है जब आप पैकेज इंपोर्ट करते हैं इन दोनों पैकेज को मिलने नहीं देता है. उससे होता क्या है कि आपकी जो अगर कोई आपके किसी लोकल फाइल में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपका इंपोर्टेड फाइल जो नेटवर्क से फाइल है वहाँ से आपको मैच नहीं, प्रॉब्लम नहीं, इधर से उधर शेयर नहीं होंगी. तो अगर आपके लोकल फाइल में कोई प्रॉब्लम है तो वो नेटवर्क फाइल में नहीं जाएगी, नेटवर्क में है तो आपके लोकल फाइल में नहीं आएगी. इस तरह आपका प्रोग्राम जो है वो पूरा सेफ रहेगा. यही एक बेनिफिट होता है क्लास लोडर होने का. नेक्स्ट थिंग इज बाइट कोड वेरीफायर. ये होता क्या है, हमारा जो बाइट कोड है ये क्या करता है कि जो हमारा कोड लिखा होता है उसमें चेक करता है कि ये एक्सेस राइट्स फॉलो कर रहा है कि नहीं. जैसे कि हमने एक प्रोग्राम बनाया है उसमें हमारे एक प्राइवेट क्लास है, हमने एक और प्रोग्राम बनाया उसमें पब्लिक क्लास है. अब जो पब्लिक क्लास है अगर वो प्राइवेट क्लास के मेथड्स या फिर ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करना चाहता है तो पहले बाइट कोड वेरीफायर वेरीफाई करेगा कि ये मेथड एक्सेसिबल है कि नहीं. अगर होगा तो वो उसे एक्सेस करने देगा, अगर नहीं है तो उसे नहीं एक्सेस करने देगा. तो ये एक चीज़ होती है जो कि बाइट कोड वेरीफायर से सिक्योरिटी बढ़ाती है. नेक्स्ट थिंग इज सिक्योरिटी मैनेजर. ये करता क्या है, ये प्रोग्राम में रीडिंग और राइटिंग जो एक्सेस होते हैं उनको हैंडल करता है कि अगर हमारे प्रोग्राम में देखेगा कि रीडिंग अलाउड है या राइटिंग अलाउड है. अगर रीडिंग अलाउड है तो कोई भी चीज़ आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, अगर राइटिंग अलाउड है तो आप उसे राइट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो. और ये सारी चीज़ें मिलकर जावा को एक सिक्योर्ड फीचर प्रोवाइड कराते हैं. नेक्स्ट फीचर इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के बारे में हम सबने सुना है, तो मतलब क्या है इसका, जावा प्रोग्राम कैन बी रन ऑन एनी सॉफ्टवेयर. मतलब क्या, जैसे कि आपने एक प्रोग्राम लिखा, अब वो आपने जब लिखा था तो आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया था. अब जब आपको चलाना है तो आपके पास विंडोज नहीं है, लिनक्स पड़ा हुआ है, उबंटू है. तो जावा में ये चीज डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगी. अगर आपने विंडोज में लिखा है तो आप लिनक्स में चला सकते हो, और इसी वजह से राइट वंस रन एनीवेयर भी बोलते हैं. इसका मतलब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में WORA भी बोलते हैं, बोरा, राइट वंस रन एनीवेयर. ऐसा क्यों होता है,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जावा का जो कोड कंपाइल होता है कंपाइलर के थ्रू वो बाइट कोड में होता है। बाइट कोड मतलब 0 और 1 के फॉर्म में। अब होता क्या, कोई भी सिस्टम हो बाइट कोड तो बाइट कोड ही रहेगा क्योंकि कंप्यूटर को बाइट कोड 0 1 के फॉर्मेट में ही सारी चीज़ें समझ में आते हैं। तो बाइट कोड तो किस सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सेम रहेगा, तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है। आपने एक बार प्रोग्राम लिख लिया, दोबारा उसे कॉपी करके कहीं भी चलाओ, बाइट कोड तो सबका सेम ही रहता है। तो जब कंपाइल करोगे दोबारा तो वहीं पे कंपाइल प्रोग्राम बाइट कोड के थ्रू मशीन कोड में जनरेट हो जाएगा और वहां से प्रोग्राम चल जाएगा। तो इस सब की वजह से आपका प्रोग्राम जो बनता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाता है। नेक्स्ट फीचर इज मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड का मतलब क्या, कि हम एक टाइम पे बहुत सारे टास्क करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि आपने देखा होगा, आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन का पेज खोलते हो, वो होता क्या है कि आपका एक होम पेज होता है, उसके बाद आप किसी एक आइटम पे क्लिक करोगे तो वो नेक्स्ट पेज में खुलेगा। तो मतलब उसका एक थ्रेड खुल गया। अब उस आइटम अगर आपने एक और आइटम पे क्लिक कर तो एक और पेज खुल जाएगा। होता है कि आप एक टाइम पे 3 पेज को विजिट कर सकते हो, तीनों में कंपेयर कर सकते हो। आपको एक चीज़ कंपेयर करनी है 3 डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स की, तो आप तीनों को अलग अलग टैब में खोल लो और कंपेयर कर लो। तो ये मल्टीटास्किंग हो गई आपकी। तो ये पॉसिबल है मल्टी थ्रेडेड की वजह से। अब मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है जानने के लिए इतना बहुत है, इसको इम्प्लीमेंट हम आगे आने वाले सेशंस में करेंगे जब हम कोडिंग करेंगे। तो मल्टी थ्रेडिंग का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि ये सब सारी अलग अलग थ्रेड्स के लिए अलग अलग मेमोरी नहीं यूज़ करता, एक ही बार मेमोरी एलोकेट होती है और उसको ही शेयर करना है। और इसका सबसे बड़ा यूज़ वेब एप्लीकेशन में होता है, जैसे कि अभी आपको एग्जांपल बताया अमेजोन फ्लिपकार्ट का, और हम इसे मल्टीमीडिया में भी यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं, बहुत सारे यूजेज हैं। नेक्स्ट फीचर इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है जावा में सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस से कंसिडर करी जाती हैं, इसमें कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है। अब है क्या, जैसे कि हम अपना सॉफ्टवेयर है उसको ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को मिलके होता है। अब ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसकी पर्टिकुलर सेट्स ऑफ बिहेवियर होता है, प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसे हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। और उस सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स को जब कंबाइन करके एक जगह रख दो तो उसे हम क्लास बोलते हैं। अब एग्जांपल में क्या है कि जैसे हमारे पास व्हीकल है, तो हमारी व्हीकल क्लास है क्योंकि व्हीकल के बहुत सारे टाइप होते हैं, 2 व्हीलर होता है, 3 व्हीलर होता है, 4 व्हीलर होता है, तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग बिहेवियर्स हैं। 2 व्हीलर में 2 टायर होंगे, 3 व्हीलर में 3 टायर होंगे, 4 व्हीलर में 4 टायर होंगे, और सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इन सबको हम एक अलग अलग ऑब्जेक्ट समझेंगे और कंबाइंड हम इनको बोलेंगे तो व्हीकल बोलेंगे। तो होता क्या है, व्हीकल हमारे यहाँ पे क्लास बन गई और अलग अलग जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी हमारे अलग अलग मेथड्स हैं उनको हमने ऑब्जेक्ट कंसिडर कर दिया और दोनों को कंबाइन किया, तो जावा प्रोग्राम बन गया। अब होता क्या, नेक्स्ट थिंग क्या है कि जावा इट सिंप्लीफाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। अब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कैसे सिंप्लीफाई होता है, सपोज कि आपके प्रोग्राम में कुछ खराबी आ गई तो आप करोगे क्या, उसको तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए चला के देख लो। 2 व्हीलर के लिए चलाओगे, सही आउटपुट आ रहा है। 3 व्हीलर के चलाओगे, सही आउटपुट आ रहा है। 4 व्हीलर के चलाओगे, गलत आउटपुट आ रहा है। आपको पता है कि जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ फोर्थ थर्ड ऑब्जेक्ट में आ रही है, तो करो क्या, पूरा प्रोग्राम आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जाना है। तो आप फोर्थ जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है 4 व्हीलर में, आप उसके फंक्शन में जाओगे और वहाँ जो भी देखोगे अपना चेंजेस क्या है, तो मेंटेनेंस भी इजी हो जाती है और जो अगर आप डेवलपमेंट करना है तो आपको उसमें कुछ एडिशन वगैरह करना है तो वो भी इजी हो जाएगा। तो यही सारे फीचर्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा में होते हैं। और कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि क्लास है, ऑब्जेक्ट है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, इन सब के बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में। आज के लिए इतना ही। बी हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।